प्रयागराज में पीएम के कार्यक्रम की समीक्षा बैठक करने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए हिंदू और हिंदुत्ववादी पर दिए गए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई शंकराचार्य नहीं है। इस संदर्भ में मेरा ट्वीट राहुल गांधी को समझाने के लिए है। उन्होंने कहा कि जैसे राहुल सोनिया और राजीव गांधी के पुत्र हैं, उसी तरह हिंदू और हिंदुत्व भी एक समान है। अगर कोई कहे भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूप हैं, वो भगवान देवकी माता के भी पुत्र हैं, यशोदा मैया को भी मैया मानते हैं, वो सुदर्शन चक्रधारी भी हैं और बसुरी वाले भी हैं। तो मतलब जैसे कि उनके के लिए अंतर नहीं है। जैसे मैं श्री राहुल गांधी जी को ही मैं और कुछ लिखने जा रहा था, बाद में मैंने उसको चेंज कर लिया। श्री राहुल गांधी जी जैसे श्री राजीव गांधी के पुत्र हैं, वो भी राहुल गांधी हैं। श्रीमती सोनिया गांधी के पुत्र हैं, वह भी राहुल गांधी हैं। और श्रीमती प्रियंका वाड्रा के भाई हैं, वह भी राहुल गांधी। तो मैं यह मानता हूं कि ऐसे विषयों पर जिस विषय को लेकर के उनको कुछ कहने बोलने का अधिकार नहीं होता है, ऐसे बयान वो विशेष तौर से कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ऐसे दलों के नेताओं के द्वारा दिया जाता है, मैं अनुचित मानता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsLive।